हेलो बच्चों, आज अपन निशान वीडियो प्लेटफॉर्म में समाकलन के उपयोग कंप्लीट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समाकलन और समाकलन के दो प्रकार पढ़े थे, अब आज हम पढ़ेंगे समाकलन के उपयोग। ये 11th फिजिक्स उसका टॉपिक है समाकलन के उपयोग। समाकलन के उपयोग में सबसे पहला टॉपिक अपन ले सकते हैं जैसे दूरी या विस्थापन की गणना। दूरी या विस्थापन की गणना में कहें तो सामान्य फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहां पर अगर दूरी या विस्थापन आप निकालना चाहो तो दूरी बराबर वेग गुणा समय हो जाएगा। यदि आप समाकलन की प्रक्रिया करना चाहते हो कि समाकलन किस प्रकार से हो, तो s से दूरी, कभी कभी x से भी दर्शाते हैं हम इसको, वेग इंटू समय, ये dt के रूप में समय लिया जाता है। समाकलन की प्रक्रिया t1 से लेकर t2 तक। तो हम इसे पढ़ेंगे वेग का समाकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। वेग का समय के सापेक्ष समाकलन कहां से कहां तक, t1 से लेकर t2 तक, ठीक है। यहां पर t1 को बोलते हैं हम प्रारंभिक समय, t2 को बोलेंगे अंतिम समय, ठीक है। अब हमने देखा कि ये वेग का समय के सापेक्ष समाकलन है t1 से लेकर t2 तक। हमें दूरी या विस्थापन की गणना करनी है तो दूरी और विस्थापन की गणना करने के लिए हम बोलेंगे वेग का समय के सापेक्ष समाकलन, जिसमें लिमिट रहेगी t1 से लेकर t2 तक। t1 को बोलते हैं प्रारंभिक समय और t2 को बोलेंगे अंतिम समय। इसी का एग्जाम्पल अगर हम जोड़े, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यदि वेग v बराबर 60² + 10t ऐसा हो, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो, तो टी बराबर 0 सेकंड से, टी बराबर 0 सेकंड से टी बराबर 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, यह क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर बोल रहा हूं। यदि वेग v बराबर 60² + 10t हो तो t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड के मध्य दूरी क्या होगी, ठीक। अब हमें दूरी निकालनी है, s बराबर समाकलन वेग का समय के सापेक्ष समाकलन निकाला हमने, और 0 सेकंड से लेकर कहां तक, 10 सेकंड तक। लिमिट अलग अलग हो सकती है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 0 से 10 सेकंड ही रहे, 0 से 2 सेकंड भी हो सकता है, ठीक। अब हम देखते हैं, यहां वेग का मान दे रखा है क्वेश्चन में 60² + 10t, वेग का मान रख दिया, लिमिट रख दी 0 से 10 सेकंड। जब आप समाकलन कर रहे हैं तो 6 को बाहर निकालेंगे, t स्क्वायर का समाकलन करना है, 10 को बाहर निकालेंगे, t का समाकलन करना है। तो इसको हम लिखें, तो हमने ये 6 बाहर निकाल लिया, t²dt 0 से लेकर 10 तक, प्लस 10 बाहर निकाल लिया, dt 0 से लेकर 10 तक। अच्छा, योग नियम है ये, समाकलन का कौन सा नियम आया, योग नियम। हमने यहां देखा ये हो गया 6 t² का t की घात 3/3 समाकलन किया, घात में एक जोड़ना है, जुड़ी हुई घात का भाग देना है, 0 से लेकर 10 सेकंड तक, प्लस 10 ऐसा कैसा ही रहेगा, t⁻⁶ का समाकलन t की घात 2/2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, 0 से 10 सेकंड। ये 2 बार काट दिया, ये 5 बार काट दिया। अब हम इसको अगर आंकिक मान देखें तो ये कितना हो गया, 2t³, और ये हो गया 5t². अब इसको सोल्व करते हैं हम, जैसे आगे सोल्व करते हैं, मान लीजिए तो यहां पर इसको आगे सोल्व करें,
देखिए यहां से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको, ये वेग की वैल्यू है, जीरो से लेकर 10 सेकंड तक टाइम पीरियड दे रखा है, लिमिट लगाई, वैल्यू सोल्व करें। अब हमने यहां पर देखा कि ये इसका जो उपयोग है, पहला उपयोग, अब इसको आगे सोल्व करते हैं इसी मैथमेटिक्स को। तो इसकी मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे, तो मैथ्स में हमने देखा यहां पर एस की जो वैल्यू आएगी ये हमें प्राप्त हुई 2t³ लिमिट 0 से 10 प्लस 5t² 0 से 10 सेकेंड, 2 × 10³ पहले लिमिट रखोगे आप t की जगह 10 सेकेंड, फिर लिमिट रखोगे 0 प्लस ये 5 लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट 10 और लोअर लिमिट 0, ये हो गया। तो ये हो गया 2 × 10³ 1000 होता है, माइनस 0 प्लस 5, 10³ 2 100 लिख सकते हो, माइनस 0 2000 प्लस 500 दूरी का मान 2500 मीटर। आप चाहो तो इसको 2.5 किलोमीटर भी कह सकते हो। तो एग्जाम्पल हमने जोड़ा, वेग की गणना, वेग की वैल्यू दे रखी है, वेग की वैल्यू दी हुई है और हमें दूरी की गणना करनी है। दूरी की गणना करने के लिए वेग का समय के सापेक्ष समाकलन, ये वैल्यू सोल्व करी, योग नियम से समाकलन किया, समाकलन करके पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे और माइनस, फिर बाद में नीचे वाली लिमिट। ऊपर वाली लिमिट कितनी है 10 सेकेंड और लोअर लिमिट कितनी है 0 सेकेंड, तो सोल्व करने पर वैल्यू हमारे पास आ गई 2500 मीटर या 2.5 किलोमीटर, यह आंसर हो गया। तो पहला उपयोग कंप्लीट किया हमने, वेग दे रखा हो तो हम दूरी या विस्थापन निकाल सकते हैं। हम दूसरा उपयोग करेंगे अब कंप्लीट, दूसरा उपयोग लिखते हैं। पहला उपयोग कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड उपयोग आएगा कि त्वरण दे रखा हो, त्वरण दे रखा हो और वेग की गणना करनी हो, तो इस तरह से अपन, हम त्वरण की वैल्यू ज्ञात हो और वेग निकालना चाहें तो वेग निकाल सकते हैं। तो आगे ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला हम कहते हैं, सिंपल फॉर्मूला हमने कहा त्वरण बराबर वेग बटा समय, यही कहते हैं। तो यदि हम यहां से वेग निकालना चाहें जब त्वरण दे रखा हो, तो दूसरा उपयोग है वेग की गणना। वेग की गणना करने के लिए वेग बराबर त्वरण गुणा समय होता है, त्वरण गुणा समय। अब इसको पढ़ोगे कैसे, त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन और T1 से लेकर T2 तक, ठीक। यहां T1 T2 क्या कहलाएंगे, T1 को बोलेंगे प्रारंभिक समय, वही कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट हो रहा है, प्रारंभिक समय, और T2 को कहा जाएगा अंतिम समय, अंतिम समय। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, उदाहरण जोड़ो, यदि त्वरण a बराबर 25t⁴ प्लस 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो त्वरण का मान दे रखा है, यदि त्वरण a का मान दे रखा है इतना, तो t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 2 सेकेंड के मध्य वेग ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बनाया हमने, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि त्वरण का मान a बराबर 25t⁴ प्लस 15 मीटर, यह मात्रक है इसका, 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड के मध्य वेग ज्ञात कीजिए। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, देखो इधर, यहां लिमिट क्या लगाएंगे हम, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, क्योंकि प्रश्न पढ़ने पर हमें पता लगा प्रारंभिक 0 और अंतिम 2। त्वरण का मान रखो 25t⁴ प्लस 15 dt,
योग नियम लग सकता है इसमें, योग नियम लगाया, संख्यात्मक मान 25 से नियत मान बाहर निकाल लो, टी की घात 4 का समाकलन समय के सापेक्ष 0 से 2 सेकेंड, यहां पर 15 बाहर निकाल लिया, डीटी का समाकलन करना होगा 0 से 2 सेकेंड, देखो 25 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, ठीक, टी रेस्ट पावर 4, 15 कांस्टेंट पद है बाहर निकाल लिया ये। अब आप मुझे बताओ टी की घात 4 का समाकलन क्या होगा, टी की घात 5/5, टी की घात 5/5, लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, 15, डीटी का समाकलन क्या होगा टी, 0 से लेकर 2, ये 5 बार कट गया, ठीक है, तो 5 टी की घात 5 0 से लेकर 2 तक, 15 टी की वैल्यू भी 0 से लेकर 2 तक, तो आप चाहो तो यहां 2 - 0 लिख दो इजी करने के लिए, अब आप यहां आगे बढ़ाएं इसके, इसकी गणना को आगे बढ़ाएंगे तो 5 तो संख्या है, टी की वैल्यू कितनी रखोगे पहले 2 सेकेंड, अब आप मुझे बताओ 2 की घात 5 कितना होगा, 2 की घात 5 ये 0 की घात 5 प्लस 30 - 0, अब 2 की घात 5 कितना होता है 32, 32 को 5 से गुणा करेंगे, 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160 हो गया, देखो इधर एक बार फिर समझो, 5 ये 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना होता है 32 होगा, 2 को 5 बार गुणा करोगे तो 32 को किससे गुणा करना पड़ेगा वापस से 5 से, तो आप ये लिखोगे 32 × 5 160 - 0 प्लस 30 - 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 160 में अगर 30 जोड़ोगे तो 190 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी वेग की गणना करनी है ना, तो वेलोसिटी आएगी v = 160 प्लस 30 190 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा, वेग का मात्रक लिखें तो 190 मीटर प्रति सेकेंड लिखिए, और दूरी अगर कैलकुलेट करनी होती तो हम किसमें लिखते हैं उसको, मीटर में, तो यह हमारा दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग, यदि कोई बल और विस्थापन के रूप में कोई पद दे रखा हो तो हम कार्य की गणना भी कर सकते हैं, और एक प्रकार से जो समाकलन है वो क्षेत्रफल को भी बताता है, तो मैं तीसरा उपयोग आपको बता रहा हूं कार्य की गणना करना, तीसरा उपयोग आएगा कार्य की गणना, कार्य बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है, कार्य बल इंटू विस्थापन। अब इसमें अभी तक जो 2 उपयोग थे इसमें तो हमारे आंसर आ रहा था समय के पद के रूप में, आंसर लिखते समय कि लिमिट्स कहां समय के रूप में आएगी, लेकिन जब आप कार्य की गणना करोगे तो कार्य में लिमिट समय के रूप में ना आकर किस रूप में आएगी, विस्थापन के रूप में, क्योंकि कार्य का सूत्र हमने क्या पढ़ा है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य का सूत्र बल इंटू विस्थापन x1 से लेकर x2 तक, x1 को बोलेंगे प्रारंभिक विस्थापन और x2 को कहा जाएगा अंतिम विस्थापन, अंतिम विस्थापन। एग्जाम्पल बताऊं, क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हो, यदि बल F बराबर 50x + 20 न्यूटन हो तो टी एक्स बराबर 0 मीटर से एक्स बराबर 5 मीटर तक वस्तु को विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा, ठीक। अब आप मुझे बताओ बल की वैल्यू तो न्यूटन में है और विस्थापन 0 मीटर से 5 मीटर तक दे रखा है, तो कार्य बराबर हो गया, सूत्र बनाया
बल इनटू विस्थापन, लिमिट बन गई 0 मीटर से लेकर 5 मीटर तक। बल का मान जो क्वेश्चन में दे रखा है लिख दो, योग नियम से आगे सोल्व कर सकते हो। ये लिख दिया डीएक्स और 0 से लेकर और 5 मीटर तक। 50 संख्या है, बाहर निकाल लो एक्स डीएक्स 0 से लेकर 5 प्लस 20 बाहर निकाल लीजिए डीएक्स 0 से लेकर 5। ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, आ रहा है यहां तक कवर। 5 एक्स का समाकलन और 20 डीएक्स। अब हम देखें इधर 5, पहले संख्यात्मक मान क्या बाहर निकाला, यह मानते हुए 50 कांस्टेंट बधे, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेकर 5 तक प्लस 20 बाहर आ गया डीएक्स का, एक्स होता है समाकलन 0 से लेकर 5। अब यहां पे कितने बार कट जाएगा बताओ, 25 बार कट गए, 25 लिमिट लगाओ पहले 5, 5 का वर्ग फिर 0 का वर्ग प्लस 20, पहले ऊपर वाली लिमिट 5 फिर नीचे वाली लिमिट -0। देखो 25 एक्स की वैल्यू 5 रखी, 5 का वर्ग कर दिया -0 का वर्ग कर दिया, 20 अंक है एक्स की वैल्यू पहले 5 रखोगे फिर -0। अब ये हो गया 25 × 25 -0 प्लस 100 -0, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625, 625 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 725 न्यूटन इंटू मीटर इसका आंसर हो गया। एक न्यूमेरिकल हो गया। समाकलन का तीसरा उपयोग क्या हो गया, कार्य की गणना, जबकि बल दे रखा हो विस्थापन के रूप में न्यूटन में, एक्स दूरी दे रखी है मीटर में, तो किया गया कार्य कितना होगा यह समझाइए। तो हमने समझाया, मैं एक बार फिर समझा दूं इस क्वेश्चन को। देखिए बल का मान दे रखा था 50 + 20 न्यूटन, 50x + 20 न्यूटन, दूरी या विस्थापन 0 से 5 मीटर तक लिया गया, तो कार्य की गणना कीजिए। तो बल का मान रखा, ये मान रख दिया एक्स डीएक्स प्लस 20 डीएक्स, 50 संख्यात्मक नियत मान है बाहर निकाल लिया, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2, 20 डीएक्स का समाकलन क्या होता है एक्स, ये डीएक्स है, यहां पे डीएक्स का समाकलन आपने क्या लिखा एक्स, एक्स की वैल्यू पहले 5 रखोगे फिर 0, यहां पे 5 और फिर 0, इस तरह सोल्व करा तो 725 न्यूटन इंटू मीटर आ गया। यह समाकलन का तीसरा उपयोग कार्य की गणना। और हम चाहें तो इस समाकलन का उपयोग किसी भी दी गई आकृति के क्षेत्रफल को परिभाषित करने में भी कर सकते हैं। देखो इसी चीज को मैं आपको ग्राफ से बताता हूं कि यह समाकलन प्रोसेस कहां से कहां तक समझेगा। न्यूमेरिकल आ गया समझ में अच्छी तरह से। अब देखो आगे, यदि मैं इसी क्वेश्चन को ग्राफ के रूप में बताता आपको कि ग्राफ और समाकलन का उपयोग क्या हो सकता है, कि दिए गए ग्राफ को काम में लेकर भी हम समाकलन समझा सकते हैं। जैसे इधर दे रखा है विस्थापन, इधर दे रखा है बल, बल की उपस्थिति में कोई वस्तु ए से लेकर बी तक जाती है, एक्स वन ये एक्स टू और ये डीएक्स विस्थापन हो इसका, डीएक्स क्या होता है एक्स का छोटा भाग अल्पांश। तो यदि हम अब ए से बी तक जाने में जो कार्य निकालना है, ए से बी तक जाने में जो कार्य निकालना है हमें, तो वो कार्य किस रूप में निकालेंगे, देखो इधर आप कार्य x1 से लेकर x2 तक, बल एक नियत पद है ये ले लिया, कहां से कहां तक लेके गए ए से बी जाने में, x1 से लेकर x2 तक, x1 से x2 dx, तो f का समाकलन x के सापेक्ष x1 से लेकर x2 तक, x1 प्रारंभिक विस्थापन और x2 अंतिम विस्थापन। तो ये इनडायरेक्ट ग्राफी मेथड जो है वो समाकलन को भी दर्शा रहा है। तो बेटा आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि समाकलन के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं। तो समाकलन का पहला उपयोग मैंने आपको बताया, वेग जब दे रखा हो तो आप उससे दूरी या विस्थापन निकाल सकते हो। दूसरा उपयोग बताया, त्वरण समय के रूप में दे रखा हो तो वेग की गणना कर सकते हैं। तीसरा उपयोग मैंने आपको बताया कि आप इससे कार्य की गणना भी कर सकते हो। और
चौथा उपयोग, अपन चाहें तो हम अलग से यह बता सकते हैं कि ग्राफी विधि से भी हम इससे हम शक्ति दे रखी हो, समय दे रखा हो तो कार्य निकाल सकते हैं, बल दे रखा और विस्थापन दे रखा हो तो कार्य की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समाकलन के विभिन्न उपयोग पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।